स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े थे यूनिट नंबर थ्री जिसका नाम है नेटवर्क एंड मल्टीमीडिया लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने शुरू की थी एक्सरसाइज जिसे हम लोग आज कम्प्लीट करने वाले हैं तो चलिए लेक्चर की तरफ जी स्टूडेंट्स तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के तीन पार्ट को कम्पलीट कर लिया था आज हम पार्ट डी शुरू करने जा रहे हैं देखिए पार्ट डी क्या है तो फ्रेंड्स पार्ट डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी कि आप लोगों के पास हैं कुछ क्वेश्चंस जिनको आप लोगों ने आंसर करना है ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाट इज एन अदर नेम फॉर ईमेल ईमेल का दूसरा नाम क्या है जी स्टूडेंट्स बताएं ईमेल का दूसरा नाम क्या है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल ठीक है तो चलिए आंसर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है जी सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी ए आई सी ए आई क्या था स्टूडेंट्स जी याद करें ये था कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस ठीक है जो कि हम लोग यूज करते हैं थेरी के लेसन को पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट्स चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं सी की फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की दो टाइप्स पढ़ी थी कौन कौन सी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी थी और मल्टी पॉइंट पड़ी थी तो so, स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस में सिर्फ दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ठीक है ठीके? और मल्टी पॉइंट में दो से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं तो so, चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट जी पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस कंसिस्ट करती है टू पार्टिसिपेंट्स पे ठीक है अब हम देखेंगे मल्टी पॉइंट स्टूडेंट मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंस कंसिस्ट ऑन मोर देन टू पार्टिसिपेंट ठीक है पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट में सिर्फ दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जबकि मल्टीपॉइंट में दो से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लैंड तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लैंड के एलिमेंट्स बताने हैं लैंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था जरा रिकॉल करें लैंड क्या है लैंड है एक लोकल एरिया नेटवर्क जी और ये कवर करता है स्मॉल एरियाज़ को ठीक है लिख लेते हैं स्मॉल एरिया जी स्टूडेंट्स और हम लोग कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लैंड में वायर्स को तो लिख लेते हैं वायर्स आर यूज टू कनेक्ट दंप्यूटर्स तो स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं वायर्स को कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ठीक है तो लैंड के कुछ किए एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखे हैं लैन लैन क्या है land है बेसिकली एक लोकल एरिया नेटवर्क जो कि बहुत ही स्मॉल एरियाज को कवर करता है तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि लैन हो सकता है सिर्फ एक बिल्डिंग में या दो बिल्डिंग में या तीन बिल्डिंग्स में ठीक है तीन बिल्डिंग्स वो भी जो करीब करीब हो इससे ज्यादा हमारा लैन वास्ट नहीं हो सकता आगे देखिए हम लोगों ने लिखा वायर्स यूज करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर्स को लैन में कनेक्ट करने के लिए तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो चलिए जी, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं देखिए क्वेश्चन क्या है इज इंटरनेट तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहां बताना है कि इंटरनेट क्या होता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेट क्या है स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ठीक है यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में नेटवर्किंग करके क्या बनाते हैं एक इंटरनेट बनाते हैं और ये होता है वर्ल्ड वाइड ठीक है तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड हमारे जो नेटवर्क हैं स्टूडेंट्स वो आपस में इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाते हैं एक इंटरनेट बनाते हैं और इंटरनेट के जरिए हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है इंटरनेट इज द वे टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं इंटरनेट इज A worldwide network of different computer networks. यही पढ़ा था ना हमने इंटरनेट क्या है इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट नेटवर्क जो के होते हैं वर्ल्ड वाइड ठीक है वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट को तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वट इज़ इंट्रानेट ठीक है अब हमने बताना है कि इंटरानेट क्या होता है पहले हमने बात की थी इंटरनेट की अब हम बात करेंगे इंटरनेट क्या होता है तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है ठीक है और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही जगह पे है तो हम लोग लैन यूज़ करते हैं और अगर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सिटीज़ में है डिफरेंट जगहों पे है तो उसके लिए हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैन ठीक है लेकिन इंटरनेट यूज होता है सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए तो चलिए इसका आंसर लिख लें तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क यूज टू कनेक्ट The computers within an organization. यानी कि इंटरनेट क्या है स्टूडेंट्स इंटरनेट है एक ऐसा नेटवर्क जो कि यूज होता है सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ठीक है जी स्टूडेंट्स तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बताना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती क्या है स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा था कि आप लोग एक जगह से बैठकर दूसरी जगह पे किसी इंसान से बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपके कोई रिलेटिव किसी और शहर में या किसी और कंट्री में भी बैठे हुए हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग उनसे बात कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि वो आप लोगों के सामने ही बैठे हुए हों क्योंकि आप लोग उन्हें सुन भी सकेंगे और उन्हें देख भी सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठीक है तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ प्रोसेस Of conducting conference between two or more people using. कंप्यूटर नेटवर्क ठीक है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पीपल यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हम लोग दो या दो से ज्यादा लोगों के दरम्यान में एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने इंटरनेट की डेफिनेशन भी देखी है और हमने इंटरनेट की भी डेफिनेशन भी देखी है ठीक है तो अब हमने बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्ट जो कि यूज होता है वर्ल्ड वाइड ठीक है अब दूसरी तरफ इंटरनेट क्या है इंटरनेट एक रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है जो कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में ही इस्तेमाल होता है ठीक है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट और पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में इंटरलिंक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इंटरनेट ठीक है तो चलिए लिख लेते हैं स्टूडेंट्स तो इंटरनेट क्या होता है एट कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड ठीक है और इंटरनेट क्या करता है एट कनेक्ट द कंप्यूटर्स ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यानी कि इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड और इंटरनेट क्या है इंटरनेट होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इंटरनेट क्या करता है इट कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स के कंप्यूटर्स को आपस में इंटरलिंक हम लोग करते हैं इंटरनेट के जरिए ठीक है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यही तो होता है तो स्टूडेंट्स इंटरनेट क्या करता है इंटरनेट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को आपस में इंटरलिंक करता है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ टू स्टार्ट विंडोज मीडिया प्लेयर तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने विंडोज मीडिया प्लेयर पढ़ा था जी तो स्टूडेंट्स अब हमने बताना है कि हम किस तरह से उसे स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले स्टेप्स रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स थे विंडोज मीडिया प्लेयर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं कौन से बटन को स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं और स्टार्ट बटन के बाद हम लोग जाते हैं ऑल प्रोग्राम्स में और ऑल प्रोग्राम्स में हम लोगों को मिलता है एक प्रोग्राम कौन सा स्टूडेंट्स हमें हाँ, मिलता है वहां विंडोज मीडिया प्लेयर और उसे जब हम क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारी स्क्रीन पर क्या अपेयर हो जाता है विंडोज मीडिया प्लेयर की विंडो अपेयर हो जाती है तो चलिए स्टेप्स लिख लें सबसे पहले क्या करते हैं क्लिक द स्टार्ट बटन ठीक है और उसके बाद हम जाते हैं ऑल प्रोग्राम्स में और फिर हम लोग क्लिक करते हैं प्लेयर ठीक है तो स्टूडेंट्स ये तीन स्टेप्स थे क्या क्या स्टेप्स हैं सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन को ठीक है सबसे पहले क्या करना है स्टार्ट बटन को क्लिक करना है उसके बाद हमने जाना है ऑल प्रोग्राम्स में और उसके बाद विंडोज मीडिया प्लेयर ठीक है और आप लोगों की स्क्रीन पर विंडोज मीडिया प्लेयर्स की विंडो ओपन हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल बटन ऑफ विंडोज मीडिया प्लेयर यानी कि विंडोज मीडिया प्लेयर में जो हम लोगों ने कंट्रोल बटन पढ़े थे स्टूडेंट्स हम लोगों ने वो यहाँ लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है तो स्टूडेंट्स जरा रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से बटन हम लोगों ने पढ़े थे हम लोगों ने कंट्रोल बटन पढ़े थे प्ले पॉज का बटन नेक्स्ट का बटन पढ़ा था प्रीवियस बटन पढ़ा था उसके अलावा हम लोगों ने म्यूट बटन पढ़ा था स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉप बटन और रिपीट का बटन पढ़ा था इसके अलावा हम लोगों ने शफल का बटन पढ़ा था ठीक है तो एक बार बारी बारी इन्हें लिख लेते हैं और ये भी रिकॉल कर लेते हैं कि ये सारे बटन क्या करते थे तो चलिए मेरे साथ लिखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्ले एंड पॉज ठीक है तो स्टूडेंट्स प्ले और पॉज इन दोनों एक्शंस के लिए एक ही बटन यूज होता है अगर आपका सॉन्ग या वीडियो ऑलरेडी प्लेड है तो स्टूडेंट्स हम लोग उसे करेंगे पॉज इस बटन को यूज करते हुए और अगर वो ऑलरेडी पॉज है तो स्टूडेंट्स जब हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा आपका सॉन्ग या वीडियो प्ले हो जाएगी आगे देखिए और हमारे पास होता है नेक्स्ट बटन और प्रीवियस इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है म्यूट बटन और क्या होता है और हमारे पास होता है वॉल्यूम कंट्रोल इसके अलावा शफल एंड रिपीट तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ कंट्रोल्स जो कि हम लोग विंडोज मीडिया प्लेयर में यूज करते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्ले एंड पॉज की तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई कोई सॉन्ग या वीडियो प्ले की हुई है तो हम लोग जब इस प्ले पॉज के बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा वो पॉज हो जाएगी और अगर वो ऑलरेडी पॉज है तो स्टूडेंट्स हम लोग जब इसे क्लिक करेंगे तो वो प्ले हो जाएगी नेक्स्ट बटन देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट बटन तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंट्रोल बटन क्या करता है आपकी वीडियो या ऑडियो से नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो फाइल जो होगी उसको प्ले कर देगा और फिर है म्यूट बटन म्यूट बटन क्या करता है म्यूट बटन आपकी ऑडियो या वीडियो फाइल्स में से सिर्फ ऑडियो को म्यूट करता है ठीक है अगर आप लोगों ने वीडियो फाइल प्ले की हुई है तो स्टूडेंट्स वीडियो चलती रहेगी लेकिन आपकी ऑडियो जो है वो म्यूट हो जाएगी तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है प्रीवियस बटन तो प्रीवियस बटन क्या करता है प्रीवियस बटन प्ले कर देता है आपकी फाइल से प्रीवियस फाइल को ठीक है चाहे वो ऑडियो फाइल हो चाहे वो वीडियो फाइल हो नेक्स्ट देखिएगा वॉल्यूम कंट्रोल तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने वॉल्यूम कंट्रोल स्लाइडर पढ़ा था ठीक है जिसको हम लोग स्लाइड करते थे राइट right की तरफ और वॉल्यूम इंक्रीज होता था और अगर लेफ्ट की तरफ करते थे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता था आगे देखिए शफल एंड रिपीट के कंट्रोल्स तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो कंट्रोल बटन पढ़े थे शफल और रिपीट का ठीक है तो शफल क्या करता था शफल आपकी सारी की सारी फाइल्स को जो कि आप लोगों ने विंडोज मीडिया प्लेयर में प्ले की हुई है स्टूडेंट्स उनको शफल कर देता था यानी कि जंबल कर देता था ठीक है तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट था रिपीट तो रिपीट का कंट्रोल क्या करता था स्टूडेंट्स रिपीट का कंट्रोल एक ही ट्रैक को रिपीट पर लगा देता था यानी कि एक ट्रैक जो आप लोगों ने प्ले किया हुआ है वो जब फिनिश होगा तो वही ट्रैक दोबारा से रिपीट होगा और जब वो फिनिश होगा तो वही ट्रैक दोबारा रिपीट होगा तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा रिपीट कंट्रोल काम करता है ठीक है तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना क्वेश्चन डी कर लिया है कंप्लीट अब आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है अपनी बुक्स पर देखिए जल्दी से जरा जी स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक्स में एक क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स ठीक है दो कॉलम्स हैं आपके पास एक कॉलम में आपके पास डेफिनेशन है ठीक है और दूसरे कॉलम में क्या है दूसरे कॉलम में उन डेफिनेशन के टाइटल्स हैं ठीक है ठीके? आप लोगों ने डेफिनेशन देखनी है और उसे मैच कर देना है दूसरे कॉलम में मौजूद उसके टाइटल के साथ ओके okay, तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप लोगों ने खुद करनी है और स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों ने आज का लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज